और इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपने तरीके से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में स्थानीय पाली रोड स्थित कल्याण आर्किटेक्ट के कार्यालय में जाप के जिलाध्यक्ष लाल साहब ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें मुख्य रूप से डेहरी विधानसभा सहित जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का विस्तार करना और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर पर बैठकर काम करने का निर्णय ले लिया। ज्ञात हो कि लाल हाल ही में डेहरी विधानसभा क्षेत्र के चर्चित समाजसेवी समीर कुमार ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जाप की सदस्यता ग्रहण की है और उसके बाद में से ही पार्टी के दिशा निर्देश पर लगातार पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श शुरू किया है। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रभात रंजन, सुकेश गुप्ता, अप्पू कुमार, अनुज पटेल एवं तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विचार कर पाते कि नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैं आभार प्रकट करता हूँ तमाम डेहरी विधानसभा क्षेत्र से आए हुए और अलग अलग जगहों से आए हुए हमारे बीच जन अधिकार पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने सबसे पहले मेरा स्वागत अपने पार्टी में किया है। दूसरी बात, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जो आपने सवाल पूछा, मैं क्या संदेश देना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, तो जिस प्रकार एक परिवार में सभी बड़े छोटे एक साथ मिलकर अपने परिवार को एक नई ऊँचाई और नई गति देने का कार्य करते हैं, मैं ठीक उसी प्रकार जन अधिकार पार्टी में जुड़ने के बाद मंगलवार से ही मैं लगातार सभी के संपर्क में हूँ। तमाम लोगों को मैं अपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से बातचीत कर रहा हूँ और उसको उम्मीद है कि बहुत जल्द एक महीना के भीतर तमाम कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग एक अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे और जिस प्रकार अन्य पार्टियाँ डिफरेंट डिफरेंट कार्यक्रम करके अपने पार्टी के कार्यक्रमों को जनता तक पहुँचा रही है, हम सभी भी सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे और सभी लोगों का सम्मान करते हुए अपनी पार्टी को नई गति और नई ऊँचाई देंगे। आपने पप्पू यादव से भी मुलाकात की थी और पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी की तरफ से आपको क्या दिशा निर्देश दिया गया कि किस तरीके से आपको डेहरी विधानसभा में कार्य करना है? सबसे पहले तो पार्टी ज्वाइन करने का दिशा निर्देश दिया गया, इसके हिसाब से मैंने मंगलवार को अपने तमाम सैकड़ों समर्थकों के साथ जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बकायदा वहाँ भरपूर सम्मान और प्रेम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और उनके तमाम नेताओं के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। तत्पश्चात पार्टी का गाइडलाइंस के हिसाब से मुझको जिला कमेटी के नेतृत्व में डेहरी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रकोष्ठ संख्याएँ पार्टी की बनी हुई हैं या जो आधी अधूरी रह गई हैं, उन तमाम प्रकोष्ठों को, तमाम विंग्स को हम लोगों को विदिन अ मंथ रेडी कर लेना है ताकि कार्यकर्ताओं का बल हमारे साथ पूरा हो, क्योंकि चुनाव में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसी कार्यकर्ता की होती है। वही अपने नेता के, अपने पार्टी की बात को जनता तक पहुँचाता है, तो कार्यकर्ता ही नहीं होंगे तो एक व्यक्ति, एक समीर कुमार, एक जिलाध्यक्ष कहाँ कहाँ तक जाकर लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले पार्टी को मजबूत करना पहली प्राथमिकता है और वहाँ से मिले गाइडलाइंस के हिसाब से पहले डेहरी विधानसभा क्षेत्र और उसके बाद तमाम जितने भी विधानसभा क्षेत्र रोहतास जिले के अंतर्गत आते हैं, हम सभी एक दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर भी एक दूसरे का बल बढ़ाएंगे। केवल डेहरी विधानसभा ही नहीं, सासाराम जिला रोहतास के अंतर्गत आने वाले तमाम डेहरी विधानसभा क्षेत्रों में हम सभी जाएंगे और सबको नई गति देंगे ताकि हमारी पार्टी इस जिले में सभी विधानसभा में मजबूत हो और हम सभी मजबूती से आगे बढ़ सकें। पहली बार पेट्रोल से डीजल का दाम ज़्यादा बढ़ गया है और आपने का ये पोस्ट भी किया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार सरकार का एक स्टेटमेंट आपको याद होगा 2014 के चुनाव में कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार और अब की बार फलाने की सरकार, उस बैनर को आज के तारीख में खुद ही पार्टी भूल गई है और उसके बाद से आज मैंने जब सुबह पेपर में पढ़ा है जो डीजल का दाम है वो पेट्रोल से अधिक हो चुका है। मैंने पोस्ट भी किया है कि ऐसा पहली बार हुआ है 60-70 सालों में। आप बताइए कि डीजल अनुदान राशि, जिस तरह आज के तारीख में किसानों को डीजल की जितनी ज़रूरत होती है, खेती बाड़ी का मौसम आ चुका है, धान की रोपनी शुरू होने वाली है, ऐसे में हजारों बैरल डीजल किसान सबसे अधिक इस्तेमाल करता है, ट्रैक्टरों में डीजल पे ट्रैक्टर चलता है।